अमरोहा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का आज पहला पेपर हुआ, जिसमें DIOS रामक्या कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने जिला विद्यालय परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण को लेकर निरीक्षक से खास बातचीत की। पहले आप सुनिए यह खास बातचीत। जनपद में प्रसिद्धि परीक्षाओं के 11 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। 11 सेक्टरों में 74 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जिलाधिकारी द्वारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तैनात किया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक दोनों की निगरानी में प्रश्न पत्र खोले जा रहे हैं। पूरे समय तक परीक्षाएं चल रही हैं, उस समय रहते हैं और अपने सामने सील बंद करवा के संकलन केंद्र पर भेजते हैं। इसके अलावा 6 सचल दल गठित किए गए हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं, संबंधित तहसील के SDM हैं, निरंतर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। और मेरे द्वारा खुद आज लगभग 19 परीक्षा केंद्रों का अब तक निरीक्षण किया जा चुका है। परीक्षाएँ सभी केंद्रों पर नकल विहीन पाई गई हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोनों ओर CCTV कैमरे चल रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डर है, इसकी मॉनिटरिंग सेल मुख्यालय पर है, स्टेट लेवल पे हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ना तो जनपद में किसी प्रकार की ऐसी कोई खबर मिली है कि नकल को कोई प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये थे हमारे साथ में जिला विद्यालय निरीक्षक रामाज्ञा कुमार, जिनसे हमने बात की और जो परीक्षा के दौरान पर निरीक्षण कर रहे हैं। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। बता दें कि अमरोहा में 74 केंद्रों पर परीक्षा हुई। हाई स्कूल का पेपर सुबह 8 बजे शुरू हुआ। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट का पेपर हुआ है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 53,723 बच्चे पंजीकृत है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 74 केंद्रों में परीक्षा हुई है, जिसमें 3160 परीक्षा कक्ष निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। किस चीज का पेपर था आज? कैसा पेपर हुआ है? अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे परीक्षा चल रही है, बच्चों को, आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, और लोगों को क्या संदेश? सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पेपर को सिर्फ जब पेपर आपके सामने आए तो बिल्कुल डरना नहीं है, प्लस नहीं होना है, अच्छे से पेपर को पढ़ना है शांति से बिल्कुल। और जब आपको पेपर करने बैठो तो बिल्कुल भी गर्दन वगैरह नहीं हिलानी है। जैसे कि योगी सरकार आप सबके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपको भी उनका साथ देना और अच्छे से पेपर देना। ठीक है, क्या नाम है आपका? कैसा पेपर हुआ? देखिए, सरकार ने जो है नकल रोकने के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था की है और भी कई तरीके अपनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग लगाए गए हैं, तो क्या सरकार ने CCTV कैमरे लगाकर बहुत ज्यादा अच्छा कदम उठाया है और हमें बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है कि इस बार से कई बच्चे पास होंगे जो मेहनत करते हैं, मेहनत वाला बच्चा पास नहीं होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।